नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों बात करते हैं वृष राशि के बारे में। जिनके नाम की शुरुआत ब व उ ए से शुरू होता है उनकी राशि वृष राशि होती है। चलिए आपके साथ बात करते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, उसको आप जान लीजिए। किसी भी शुभ घटना का संकेत ये घड़ी आपको दे रही है। कोई फंसा हुआ पैसा हासिल हो जाएगा और जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान चल रहे थे, जिसे मिलने की संभावना कम थी वो मिल सकता है। आपका व्यक्तिगत काम भी परिवार के लोगों के और उनके सहयोग से निपट जाएगा और युवा लोग अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। अगर आप युवा हैं तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपने दिनचर्या को दुरुस्त रखना चाहिए। एक लाइफ की एक रूटीन होनी चाहिए, यानी अगर आपकी लाइफ बेतरतीब है या सब कुछ अस्त व्यस्त है तो आपकी ज़िंदगी भी अस्त व्यस्त होगी। इसलिए अपने आप को एक बैलेंस्ड वे में रखते हुए ज़िंदगी को आप अपना एक डेटा बनाइए, ये करना ये करना, क्योंकि बहुत कम समय के लिए लोगों को ज़िंदगी मिलती है। लोग इधर उधर करने में ही उसको बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं ना, हीरा जैसा श्वास पल पल बीता जाए रे, मतलब एक एक सांस जो है व्यक्ति का वो हीरे से कम नहीं है, लेकिन लोग इंसान उसको समझते हैं, हर रोज़ बर्बाद करते हैं। बहरहाल, अगर आप सकारात्मक तौर पर अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। चलिए कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। किसी भी संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन वह शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। किसी से अगर आपका वाद विवाद है तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुलझाना है। पुश्तैनी जायदाद संबंधी कोई मामला चल रहा है तो अभी उसका समाधान मिलने की उम्मीद कम है। अगर पुश्तैनी अगर आपका ज़मीन है या कुछ है तो समस्या का समाधान हो सकता है कम हो। बहरहाल, अगर पारिवारिक जिंदगी की बात किया जाए तो पति पत्नी में आपसी सामंजस्य, परिवार में स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और स्वास्थ्य संबंधित अगर बात कर लें तो स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, सजग रहना है। अगर आप डायबिटिक हैं या कोई आपको बीमारी है, रूटीन चेकअप कराते रहिए। भाग्यशाली रंग आपके लिए हरा रंग है और भाग्यशाली अंक आपके लिए 9 नंबर है। नमस्कार।